वीडियो तो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। पहले आपको बेसन के कोड़िये और भले आपको दिखाए थे, अब हम बना रहे हैं मूंग की दाल के भले बना रहे हैं। और ये मैंने मूंग की दाल ली है और ये वन टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली है। अब इसको हमने मूंग की दाल को, ये साफ है और इसको चुन लिया, इसको हमने ये डाल दिया इसमें और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। ये अजवाइन और मूंग की दाल को हमने ये ग्राइंड कर लिया था, ये इस तरह हो गई। अब हम इसमें एक कप बेसन का डालेंगे, ये हमने इसमें एक कप बेसन का डाल दिया, मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ये हम डालेंगे सिर्फ पीसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, ये हम डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून और इसको कर लेंगे मिक्स। ये बल्ले इसको बल्ले का मसाला बना, और अब हम इसको पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। ये हमने इस तरह इतना थिक हमने बैटर बना लिया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बड़े वाला इसमें ऑयल का डालेंगे, ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया और इसको इस तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करके और इसको 15 मिनट के लिए ढांक के रख देंगे। 15 मिनट बाद इसको हमने खोला और अब इसमें डाल रहे हैं हम बेकिंग सोडा, ये हमने 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। ये कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डाला है और अब इसमें हम बल्ले फ्राई करेंगे। ये हमने बल्लों को चम्मच की मदद से ही इसमें डालेंगे बेस इसके बैटर को, ताकि ये गोल गोल बन जाए अच्छी तरह। ऑयल बिल्कुल गर्म है और आप ये देख रहे हैं, और ये छोटे छोटे से जो पौड़ियाँ बनती हैं इसका भी कोई नहीं, ये भी दही में डाल जाती है। थोड़े से ब्राउन होंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। बल्ले बिल्कुल इस शेप के गोल, ये इस तरह आपने उतार लेने हैं। हल्की आंच पे आपने इसको बिल्कुल बनाना है ताकि ये अच्छी तरह पिंक से हो जाए, ये ब्राउन से। और इसी तरह वो जो हम बनाते हैं लड्डू पीठियों वाले, वो भी सेम इसी तरह आप माश की दाल के बना लें, मूंग की दाल के बना लें, दोनों के अच्छे बनते हैं। पीठियों वाले लड्डू की भी रेसिपी जल्दी शेयर करेंगे। ये जी बल्ले बिल्कुल रेडी।
ये चीजें रमजान में ही क्योंकि ज्यादा खाई जाती हैं, इन चीजों का शौक किया जाता है। फ्रेश बनाएं घर पे। ये हमने भल्ले डाले और इसमें ये आलू बॉईल किए हुए डाले, दही डालेंगे। ये हमने काटे इसमें प्याज है, लेटस है के पत्ते हैं बारीक बारीक काटे, हरी मिर्ची एक अदद, टमाटर को सारों को हम इसमें मिक्स करेंगे। पहले डालेंगे चाट मसाला, ये हम दही भल्ले बना रहे हैं। मसाला अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से और भी मसाला डाल सकते हैं। और ये हमने ऊपर डाली इमली की चटनी, ये हम डालेंगे इमली की चटनी, ये ऊपर डाली हमने वो बारीक बारीक इसकी। ये दही भल्ले रेडी हैं और ये डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। ये बल्ले रेडी है। आप इसको रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।